आप सब उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आज के वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। आज इस लेक्चर में लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर फर्स्ट पे सीपीसी का। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सीपीसी के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर्स के अंतर्गत आने वाले जो रूल्स हैं उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोसीजर है उन सभी ऑर्डर्स को याद करने का। और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सीपीसी में आखिर हमको कितना ऑर्डर को देखना होता है, कौन सा ऑर्डर महत्वपूर्ण है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का हम लोग बात करें। तो हम लोगों ने एपिसोड फर्स्ट में इस बातों पे चर्चा किया। एपिसोड फर्स्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लिंक पे क्लिक करके उस लेक्चर को जरूर सुनिए, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगा यह समझने में कि हाउ टू लर्न ऑर्डर्स और रूल्स ऑफ द सीपीसी। और सीपीसी के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एपिसोड 2 में आ गए हैं और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्टीज टू द सूट सिलेक्टेड प्रोविजंस पे, दैट मींस ऑर्डर फर्स्ट पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉस रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट पे आने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात को समझना है कि जो सूट होता है उसका जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या क्या है। तो पहला है अपोजिंग पार्टी, दूसरा है काउज ऑफ एक्शन, तीसरा है सब्जेक्ट मैटर और चौथा है रिलीफ क्लेम्ड। सूट जब भी होगा तो उसमें कम से कम एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट होना आवश्यक है, कंपलसरी या मैंडेटरी आप कह सकते हैं। अब उन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ है उस वो किस वस्तु विषय वस्तु को लेके हुआ है, उस विवाद के होने का कारण क्या है और उस विवाद के आधार पे विवाद करने वाला व्यक्ति के विरुद्ध जो रिलीफ का मांग है, जिसको क्षति पहुंची है उस विवाद से, वो क्या है। तो इन सभी बातों का जिक्र होना आवश्यक होता है सूट में। तो जिसमें पहला ही पॉइंट है अपोजिंग पार्टी, जो पहला सिंसियर इंग्रेडिएंट है उस पर ही बेस्ड है हमारा आज का ऑर्डर फर्स्ट। देखिए एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट कॉमन है, लेकिन कब एक से अधिक प्लेंटिफ को हम एक ही सूट में ज्वाइन करेंगे इसके लिए हमको देखना होगा ऑर्डर फर्स्ट का रूल 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बड़े ध्यान से समझिए बातों को और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रूल फर्स्ट में कहता हु में बी ज्वाइन दिस प्लेंटिफ, तो कहता ऑल पर्सन, अगर आपके पास डायरेक्ट है तो खोलिए उसको, कहता ऑल पर्सन में बी ज्वाइन, ऑल पर्सन में बी ज्वाइन इन वन सूट, एक ही सूट में सभी व्यक्ति को हम ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्लेंटिफ। अगर कहता एनी राइट टू रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन, तो यहां राइट टू रिलीफ जो रिलीफ मांगा जा रहा है उसका संबंध होना चाहिए सेम एक्ट और सेम ट्रांजेक्शन से। और अगर बहुत सारे व्यक्ति ने सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट किया तो उन सभी सूट में जो क्वेश्चन राइज होगा वो कॉमन होगा, चाहे वो लॉ का हो चाहे वो फैक्ट का हो। तो दो कंडीशन फुलफिल अगर होता है, पहला सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और दूसरा कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हुआ तो आप एक सूट में दो या दो से अधिक प्लेंटिफ को ऐड कर सकते हैं एज अ पार्टी। आप इसको सरल भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में बोलते ए है, पहले हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ए है और बी है, इन दोनों के ऊपर हुआ असॉल्ट, ठीक है, इन दोनों के ऊपर असॉल्ट हुआ सी के द्वारा। अब देखिए जो असॉल्ट है इस असॉल्ट से ग्रसित कौन कौन हो रहा है, दो व्यक्ति हो रहा है, एक्ट सिंगल और सेम है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब यहां पे इस सिंगल एक्ट और यू कैन से सेम एक्ट से दो व्यक्ति ग्रसित हो रहा है और उस एक्ट का जो इंपैक्ट है प्रभाव वो क्या है, ए और बी को इंजुरी होना, है ना, मतलब ए और बी का जो आप कह सकते हैं जो लीगल राइट है उसका वायलेशन होना। तो यहां कॉमन क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है। तो यहां पे सी के अगेंस्ट अगर ए इस सॉल्ट के आधार पे सेपरेट सूट लाता है तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज होगा वही क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट अराइज होगा अगर
बी सूट लाता है असॉल्ट के आधार पर सी के अगेंस्ट। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ यहां क्या है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट, तो दोनों को लेके सेम है, और जो एक्ट है जो सेम है वो क्या असॉल्ट है, तो दोनों को लेके ए और बी को लेके सेम है। तो यहां पे ए और बी एक ही सूट में एज ए कोप्लेंटिव ज्वाइंट हो जाएगा और एक ही सूट लाएगा सी के अगेंस्ट। तो ये समझ में आएगा सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको कि कैसे एक ही सूट में दो कंडीशन को फुलफिल करके दो या दो से अधिक प्लेंटिव को एज ए पार्टी ज्वाइंट किया सकता है। अगर आप बेरेक है आपके पास तो उसको खोलिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक था तो उसको भी खोलिए। तो आपको देखिए पहला एग्जांपल दिख जाता है कि जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉमन एग्जांपल है कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। अब जो तीसरा व्यक्ति है वो एक बुक पब्लिश करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम से भी, एक ही बुक पब्लिश कर रहा है तीसरा व्यक्ति मान लीजिए सी। अब यहां पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उस सी के द्वारा बुक के पब्लिकेशन से इसका जो राइट है कॉपीराइट जो है उन दोनों यूनिवर्सिटी का इंफ्रिंज हो रहा है। तो एक ही एक्ट पब्लिकेशन से दोनों का जो जो राइट है कॉपीराइट दोनों यूनिवर्सिटी का वो इंफ्रिंज हो रहा है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोथ दिस यूनिवर्सिटी। तो यहां पर ये दोनों यूनिवर्सिटी कंबाइन होगा एज ए प्लेंटिफ और एक ही सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है उस सी के अगेंस्ट और मुआवजा का मांग कर सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इन दो कंडीशन पूरा होगा आप एक ही सूट में एक से अधिक प्लेंटिफ को ऐड कर सकते हैं एज अ पार्टी। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल टू पे। अब रूल टू कहता है कि मान लीजिए हम एक ही सूट में एक से अधिक प्लेंटिफ को ज्वाइंट तो कर लिए लेकिन उसमें से कोई एक प्लेंटिफ क्या कर रहा है सूट के ट्रायल को डिले कर रहा है, डिले काउज कर रहा है सूट का जो ट्रायल हो रहा है कंडक्ट उस ट्रायल को कोई एक प्लेंटिफ देरी कर रहा है, देरी पहुंचा रहा है, देरी हो सूट का ट्रायल उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है या जो सूट का जो ट्रायल उसको एम्बेरस कर रहा है तो उस प्लेंटिफ को कोर्ट क्या करेगी उस सूट से हटा देगी उस प्लेंटिफ को जो डिले काउज कर रहा है जो एम्बेरस कर रहा है ट्रायल ऑफ द सूट को। तो यहां पे जो कोर्ट हटाएगी या तो खुद से हटाएगी या तो कहेगी प्लेंटिफ को ही सेवरल प्लेंटिफ को कि आप उस जो प्लेंटिफ है जो डिले और एम्बेरस कर रहा है ट्रायल को सूट का उसको आप हटाइए या ऐसा आदेश पास करेगी जो कोर्ट को लगता है उचित। तो ये होगा रूल टू के अकॉर्डिंग ऑर्डर वन का। एक इंपॉर्टेंट नोटिस देना है दोस्तों आप लोगों को कि एक ग्रुप है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस लिंक पे क्लिक करके आप जुडिशियल एग्जाम ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, अगर आप बिगिनर है तो आपको और बेनिफिट होगा, अगर आप जुडिशियल एग्जाम पर तैयारी कर रहे हैं तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है उस ग्रुप से जुड़ना। तो आप उस ग्रुप से जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप से जुड़िए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप से जुड़िए। अब आते हैं पॉइंट पे, रूल वन और रूल थ्री दोनों इंपॉर्टेंट है। रूल थ्री कहता है हु मे बी जॉइंड एज डिफेंडेंट। अब यहां पे हम इसी दो कॉन्सेप्ट को आधार बना के एक ही सूट में दो या दो से अधिक डिफेंडेंट को ऐड कर सकते हैं पार्टी के तौर पे। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट फॉर्मूला को आपको यूज करना है, सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। तो यहां पर भी आप इस फॉर्मूला को यूज कीजिए कैसे, अगर मान लीजिए ए ने ए और बी, ए बी और आपको सरल करते हैं ए बी सी, ये तीनों मिलके डी को डी के प्रॉपर्टी से डिस्पजेस कर दिया, ये तीनों मिलके डी को डी के ही प्रॉपर्टी से अदरवाइज देन लॉ डिस्पजेस कर दिया। अब देखिए यहां जो एक्ट हुआ है ए बी और सी के द्वारा सेम एक्ट है, दैट मीन्स डिस्पोजेशन जो हुआ है डी का इन सभी के द्वारा हुआ है तो एक्ट सेम है। अब यहां पे जो कॉमन क्वेश्चन है लॉ या फैक्ट का वो क्या है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ यह है कि इसको इस डिस्पोजेशन जो हुआ है वो प्रॉपर्टी से उसका उस प्रॉपर्टी का पोजिशन चाहिए, तो वो रिलीफ क्लेम्ड कर रहा है तो वो सूट इंस्टीट्यूट करेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट
सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग अगर 6 महीना के भीतर कर सकता है तो ये कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो यहां पे हमको यह बताइए कि क्यों नहीं डी एक ही सूट में तीनों को एज अ को डिफेंडेंट प्रोसिक्यूट करेगा। ए अगर डी इस डिस्पोजिशन के ग्राउंड पे ए के अगेंस्ट सेपरेट सूट लाए, बी के अगेंस्ट सेपरेट सूट लाए, सी के अगेंस्ट सेपरेट सूट लाए, तो क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो डिस्पोजिशन, और लॉ का क्वेश्चन क्या है कि इसको जो रिलीफ चाहिए वो सेक्शन 6 के अनुसार चाहिए स्पेसिफिक रिलीफ फैक्ट का। तो यहां पे जो क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट है तीनों अगर सूट सेपरेट सूट लाया गया तो सेम होगा, कॉमन क्वेश्चन होगा। और जिस एक्ट से डिस्पोजिशन हो रहा है, जिस एक्ट के थ्रू डिस्पोजेस हो रहा है वो सेम एक्ट है जो इन तीनों के द्वारा हो रहा है, डी डिस्पोजेस अपने प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों कंडीशन यहां पूरा हो रहा है तो यहां पे डी इन तीनों के खिलाफ एक ही सूट लाएगा, उस सूट में तीनों को प्रोसिक्यूट करेगा एज अ को डिफेंडेंट और तीनों से रिलीफ क्लेम करेगा। तो ये हो गया रूल 3। अब आते हैं रूल 3A। रूल 3A में क्या होता है कि अगर कोई डिफेंडेंट डिले कॉज कर रहा है या एम्बेरस कर रहा है ट्रायल ऑफ द सूट, तो उस डिफेंडेंट को कोर्ट हटा देगी उस सूट से। ये होगा रूल 3A के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं रूल 4 पे। रूल 4 कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टीज। यहां पे रूल 4 के अकॉर्डिंग कोर्ट एक या एक से अधिक प्लेंटिफ के फेवर में या एक से अधिक डिफेंडेंट के फेवर में जजमेंट प्रनाउंस कर सकती है। जो भी इंटाइटल्ड होगा रिलीफ के लिए, जो प्लेंटिफ उसके फेवर में, जो लायबल होगा डिफेंडेंट रिलीफ को देने के लिए उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रनाउंस होगा कोर्ट के द्वारा रूल 4 के अनुसार। अब आते हैं रूल 5 में। रूल 5 कहता है कि डिफेंडेंट इज नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ क्लेम। मतलब कि अगर मान लीजिए ए ने बहुत सारे डिफेंडेंट के खिलाफ एक ही सूट लाया, मतलब एक सूट में ए बी को प्रोसिक्यूट कर रहा है, ई को प्रोसिक्यूट कर रहा है और एफ को प्रोसिक्यूट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, जो रिलीफ चाहिए इन तीनों से, तीनों डिफेंडेंट से ए को, उस रिलीफ से एफ जो डिफेंडेंट है वो उसको उस रिलीफ में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा ए के द्वारा लाए गए सूट पे? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई जरूर क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई एक डिफेंडेंट या एक से अधिक डिफेंडेंट इंटरेस्टेड नहीं है उस रिलीफ क्लेम्ड जो किया जा रहा है प्लेंटिफ के द्वारा, तो कोई अब इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ए के द्वारा सूट, ए के द्वारा लाए गए सूट पे इन तीनों के अगेंस्ट जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ ए के द्वारा। अगर कोई एक डिफेंडेंट इंटरेस्टेड नहीं भी है उस रिलीफ से जो ए मांग रहा है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ए के सूट में। अब आगे बढ़ते हैं, रूल 6 कहता है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे अगर बहुत सारा व्यक्ति लाइबल है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ उस ब्रीच का लाइबिलिटी बहुत सारे व्यक्तियों पे आ रहा है, तो उन सभी व्यक्तियों को प्लेंटिफ एक ही सूट में एज अ डिफेंडेंट ज्वाइंट कर सकता है। यही है रूल 6। आगे बढ़ते हैं, एकदम बड़े ध्यान से समझिए बातों को और आपका जो ऑर्डर फर्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा एक ही दिन में, और आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा मेरे लेक्चर को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए बड़े ध्यान से देखिए, अगर आपके पास बेरैक टेक्स्ट बुक है तो उसको भी खोल लीजिए। अब आते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है वेयर प्लेंटिफ इज इन डाउट फ्रॉम हुम रीड्रेस इज टू बी सॉट। मतलब रूल 7 उस सर्कमस्टांसेस का जिक्र कर रहा है कि अगर प्लेंटिफ इस असमंजस में है कि हमको जो रिलीफ चाहिए उस रिलीफ को आखिर कौन व्यक्ति देगा, तो यहां पे आपको और सरल करते हैं बातों को। एक प्लेंटिफ है, एक को लगता है कि जो रिलीफ एक को चाहिए वो ई डी एफ इन तीनों में से किसके द्वारा मिलेगा, इस बात को लेकर असमंजस है ए में। तो यहां पे क्या करेगा, ये एक ही सूट में तीनों को प्रोसिक्यूट करेगा एज अ डिफेंडेंट और बोलेगा कि आपस में तय करो कि कौन व्यक्ति ई डी एफ में कौन है जो लायबल है, जिम्मेवार है हमको रिलीफ देने के लिए, ए को रिलीफ देने के लिए, और वो कितना
एक्सटेंट तक कितना उसका लायबिलिटी है ये तय करो। इसके लिए वो तीनों को एक ही सूट में प्रोसिक्यूट करेगा एज अ डिफेंडेंट। तो ये हो गया रूल 7 का कंसेप्ट। रूल 8 क्या कहता है, वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। मतलब अगर इंटरेस्ट बहुत सारे व्यक्तियों का सेम है, मान लीजिए बहुत सारा प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ए है, प्लेंटिफ बी है, प्लेंटिफ सी है, प्लेंटिफ डी है। अब जो सूट दायर हुआ है उस सूट में इन सभी प्लेंटिफ का इंटरेस्ट सेम है, तो यहां पे सभी प्लेंटिफ के बिहाफ पे कोई भी एक प्लेंटिफ या एक से अधिक प्लेंटिफ प्रोसीड कर सकता है उस सूट पे। तो ये हो गया रूल 8 का कंसेप्ट। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं रूल 8 ए में आने से पहले एक इंपॉर्टेंट केस है रूल 1 को लेके, वो आप नोट कर लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है हु में बी ज्वाइंट एज प्लेंटिफ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिट पिटीशन पे भी लागू होता है। ये कहना था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का, और वो केस था आदि नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो प्रावधान है रूल 1 का ऑर्डर फर्स्ट वो अप्लाई होता है रिट पिटीशन पे भी, और वो केस है जिसमें यह कहा गया था आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, वो है आदि नारायणन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में कहा गया था ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस, आप उसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं रूल 8 ए पे आते हैं। रूल 8 ए आपको एमिकस क्यूरी का कॉन्सेप्ट बताता है, मतलब कि यहां पे रूल 8 ए के अकॉर्डिंग किसी भी सूट के प्रोसीडिंग्स में अगर कोर्ट को लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ है, उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे किसी व्यक्ति का ओपिनियन आवश्यक है, तो उस व्यक्ति को या उस व्यक्तियों के समूह को कोर्ट परमिट करेगी कि आप उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अपना मत दीजिए या आप उस प्रोसीडिंग में हिस्सा लीजिए। इस बात के लिए कोर्ट यहां परमिट करती है रूल 8 ए के अकॉर्डिंग ऑर्डर फर्स्ट का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है ऑर्डर फर्स्ट का वो है रूल 9 और रूल 13 एक साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट रूल है उसमें हम मैंने रेड सर्किल किया है, आप उसको ध्यान से देखिए। रूल 9 मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, इस पे मैंने सेपरेट लेक्चर दिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस रूल को बहुत जरूरी जरूर देखें, ये बहुत जरूरी है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना, इसलिए मैंने इसको अलग से एक सेपरेट लेक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। आप उस लेक्चर को जरूर देखिए कि क्या कंसेप्ट है मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर पार्टीज का, ये आपको समझ में आएगा उस लेक्चर के थ्रू जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पे क्लिक करके उस लेक्चर को जरूर सुनिए। 13 कहता है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर पार्टीज के ग्राउंड पे, तो फिर आपने उस ऑब्जेक्शन को वेव्ड कर दिया है। तो अगर कहता है रूल 13 या रूल 13 को 9 के साथ पढ़ना है, इसलिए रूल 13 को एक साथ पढ़ रहे हैं, तो रूल 13 में अगर आपको बात की जानकारी मिली हुई वो यह है कि अगर मान लीजिए कि कोई मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर पार्टीज का मामला है, तो किसी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन करना है इस ग्राउंड पे, तो वो कब कब कर सकता है, एज अर्ली एज पॉसिबल पहला, दूसरा कि उस सूट में जिस सूट में इशूज सेटल्ड हुआ है तो एट या बिफोर सेटलमेंट ऑफ सच इशूज वो रेज कर सकता है इस ऑब्जेक्शन को, अगर नहीं करेगा तो उसके इस ऑब्जेक्शन को वेव्ड माना जाएगा, यही कहता है रूल 13। अब जो रूल 10 है वो कहता है कि अगर मान लीजिए सूट इंस्टीट्यूट हो गया इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ तो क्या इसका इंपैक्ट होगा, तो क्या कोर्ट यहां पे निर्देश दे सकती है कि आप जो रियल प्लेंटिफ है जो ट्रू प्लेंटिफ उसका नाम को ऐड किया जाए, तो दे सकती है। कब, जब अगर कोर्ट को यह लगे कि यहां पे जो गलती से प्लेंटिफ का नाम ऐड हुआ है जो कि प्लेंटिफ नहीं है इन रियलिटी, वो अगर गुड फेथ में हुआ है, उस प्लेंटिफ को ऐड किया गया है विदाउट एनी मालाफाइड इंटेंट, तो फिर यहां पे ऐसे सर्कमस्टांसेस में कोर्ट निर्देश देगी कि आप जो रियल प्लेंटिफ है जो ओरिजिनल प्लेंटिफ है उसका नाम को आप ऐड कीजिए, अदरवाइज कोर्ट ऐसा निर्देश नहीं दे सकती है। रूल 10 के अकॉर्डिंग डिफेंडेंट को भी ऐड किया जाता है एज ए पार्टी, अगर रॉन्ग डिफेंडेंट ऐड हुआ है सूट में, तो उस रॉन्ग डिफेंडेंट के जगह पे जो रियल है डिफेंडेंट उसका नाम को जोड़ा जाता है, और जैसे डिफेंडेंट ऐड होता है प्लेंट अमेंड होता है, ठीक है।
ये तो हो गया रूल 10। अब रूल 10 ए क्या कहता है? रूल 10 ए कहता है यहां पे अगर मान लीजिए कोई पार्टी का कोई प्लीडर प्रतिनिधि नहीं कर रहा है और जिस क्वेश्चन पे कोर्ट को जजमेंट देना है, निर्देश देना है, उस पॉइंट पे, उस इश्यूज पे प्लीडर का वक्तव्य पार्टी की तरफ से होना आवश्यक है। तो यहां पे ऐसे कंडीशन में कोर्ट किसी भी प्लीडर से रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो एड्रेस करे कोर्ट को। उसके बाद है रूल 11 कंडक्ट ऑफ सूट। सूट के कंडक्ट को कौन प्रोसीड करेगा यह तय होता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो जो भी व्यक्ति होगा वो पार्टी होना चाहिए टू दी सूट। किसी तीसरे व्यक्ति को, जो स्ट्रेंजर है, उसको निर्देश नहीं दे सकती, दिया सकता है कोर्ट के द्वारा कि वो सूट के कंडक्ट को प्रोसीड करे। अब आता है रूल 12। रूल 12 कहता है कि अगर एक सूट में एक से अधिक प्लेंटिफ है या एक से अधिक डिफेंडेंट है तो उन सभी प्लेंटिफ के बिहाफ पे कोई एक या एक से अधिक, उन सभी डिफेंडेंट के बिहाफ पे कोई एक डिफेंडेंट या एक से अधिक डिफेंडेंट प्लीड कर सकता है, लेकिन उसको इस संबंध में रिटन अथॉरिटी लेना होगा बाकी अन्य प्लेंटिफ से और अन्य डिफेंडेंट से। तो ये आपको मिलेगी जानकारी रूल 12 से ऑर्डर 1 का। रूल 13 मैंने आपको बताया ही, ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज। और रूल 9 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप रूल 9 के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। मैंने वहां रिलेवेंट केस लॉ भी बताया है। अब आ गया लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। आज इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर फर्स्ट को क्लियर कर लिया। हम लोगों ने सरल भाषा में समझा कि ऑर्डर फर्स्ट के अंतर्गत जो भी रूल्स हैं वो क्या हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको ऑर्डर फर्स्ट में जो रूल देखना है वो है रूल 1, रूल 3, रूल 8, रूल 9, रूल 13। बस 1, 2, 3, 4 ऑर्डर रूल को ही आपको ऑर्डर फर्स्ट का देखना है, याद रखना है। अगर आप ये चार रूल को दिमाग में रख लेते हैं तो आपका ऑर्डर फर्स्ट पार्टीज टू डिसूट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।